महान हिमयुग के अंत में उत्तर दिशा में एक शक्तिशाली रानी हुई। उसका नाम था जुलियाना और उसकी इच्छा थी कि संसार के हर कोने में उसका साम्राज्य हो। इसलिए उसने एक सेना तैयार की और उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा नेक्रॉन। उसने उसे काला जादू और शैतानी शक्तियों की शिक्षा दी और जब नेक्रॉन बड़ा हुआ और उसने इन शक्तियों में महारत हासिल कर ली, उन्होंने मिलकर हिम प्रदेश पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने अपने किले हिम चोटी से एक विशाल हिम नदी दक्षिण दिशा की तरफ धकेल दी। इस हिम नदी के निर्मम हमले का कोई गांव, कोई प्राणी सामना नहीं कर सका। इसलिए बचे खुचे प्राणी जान बचाकर दक्षिण की तरफ भागे और गर्माइश के लिए एक पहाड़ी इलाके के ज्वालामुखी के पास शरण ली। उस इलाके पर जेरोल नाम का एक दयावान राजा अपने किले अग्निपात्र से राज्य करता था। नेक्रॉन फिर भी हिम नदी को दक्षिण की तरफ शीतोष्ण कटिबंध में अग्निपात्र की ओर ढकेलता रहा और लोग इस लड़ाई के बारे में सोचकर कांप उठते थे। को अपनी अपनी जगह डटे रहो। लॉर्ड, हम इसे नहीं रोक सकते, अपने भाई के पास जाओ। तुमने बहुत अच्छा काम किया। उत्तरी गांव हार गया है, हम जीत गए हैं। मैं आपका आभारी हूं मां। अब हमारे और अग्निखंड के बीच सिर्फ ये विशाल मैदान ही है। लेकिन वो तो बहुत दूर है। हमें शायद ये फासला पार करना ही ना पड़े। मैं नई शर्तों के साथ अपने दूत जेरल के पास भेज रही हूँ। वो नहीं मानेगा। शायद तुम अग्निखंड जाकर जेरल के सामने हमारी शर्तें रखोगे और उसकी सुंदर बेटी को हमारा शाही सम्मान देना।
जी, नेक्रॉन के आदमियों से मिलते वक्त मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। बेटी, तुम अपनी विद्या से अपने लोगों की बेहतर मदद कर सकती हो। मुझे बयां सविधा करो। मेरा प्यार हमेशा आपके साथ है। इस संसार में सभी पदार्थ प्रकृति से पैदा हुए हैं, पृथ्वी, आग, हवा और पानी। हर वस्तु इन चार तत्वों से ही बनी है। जब हम हर घड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं, आप तत्वों की बात कैसे कर सकती हैं? राजकुमारी टीग्रा, हम सबके अपने कर्तव्य हैं। तुम्हारे पिताजी का काम है राज करना, तुम्हारे भाई का कर्तव्य है युद्ध करना,
और तुम्हारा काम है सीखना। मतलब मेरा काम है चुप रहना जबकि सब आदमी युद्ध में गौरव हासिल कर रहे हों। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, है ना शेल्टन? अगर आप शांतिपूर्वक समर्पण कर दे तो मेरे मालिक नेक्रोल तबाही। ये तुम्हारा शांति का संदेश है, बिना किसी शर्त के हमारा समर्पण? महाराज ये तो बस एक संधि प्रस्ताव है। मैं इसे ब्लैकमेल कहूंगा। मेरे मालिक नेक्रोल का प्रस्ताव, जहन्नुम में जाए नेक्रोन और उसका प्रस्ताव, हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। महाराज जेरल जरा दिमाग से काम लेकर देखिए। मेरा बेटा टैरो दिमाग से कम दिल से ज्यादा काम लेता है, पर उसने हम सबके मन की बात कही है। कोई संधिबंदी नहीं होगी, हम आखिरी सांस तक उनसे लड़ेंगे। शायद आप जल्द ही अपना इरादा बदल देंगे। से ढूंढ लेंगे, उन्हें ढूंढना ही होगा। रात इतनी अंधेरी है और जंगल इतना घना, कोई पंछी भी अपना घोंसला नहीं ढूंढ सकता। फिर हम क्या करें पिताजी? इंतजार। नेक्रोन की नई शर्तों का? उसके हमले का।
मेरे वफादारों, क्या तुम लोगों ने मेरे आदेश का पालन किया है? क्या तुम लोगों ने जरोस की बेटी टीग्रा को बंदी बनाया है? कहाँ है वो? उसे मेरे पास जल्दी लाओ। वो तो चली गई। चली गई, चली गई। तुम लोगों के हाथ से निकल गई कैसे? तुम्हारी धूल की क्या सजा दूँ? ढूंढो उसे, ढूंढ कर लाओ उसे, वरना तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। मांगा भगवान मेरे साथ है। Thank you.
तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, चाहिए तो ले लो। मैं कोई चोर नहीं हूं। नजदीक से नहीं, ये जल जाएगा। मैं हमेशा आग से ही खिलती आई हूं। कई बार रात को मुझे बहुत डर लगता है। ठंड बढ़ रही है। ये सब नेक्रॉन ने किया? मैं जानती हूं। तुम कहां जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूं। और घर कहाँ है? दूर, दक्षिण की तरफ। मैं भी दक्षिण में जा रहा हूँ। अच्छा, तुम भी साथ आ सकते हो अगर ठीक से रहो तो। अगर मैं ठीक रहूँ तो?
तुमने मुझे पकड़ तो लिया पर नेक्रॉन तक नहीं ले जा सकते, उससे पहले मैं मरना पसंद करूंगा। मरने के लिए बेचैन ना हो लड़के, वैसे भी मौत तुम्हें कभी ना कभी ढूंढ ही लेगी। अगर तब तक तुमने खुद को उसके हवाले नहीं किया तो तुम्हें खाने और आराम की जरूरत है। मेरी बात ध्यान से सुनो लड़के, अगर तुम हिमराज को मारना चाहते हो तो तकलीफों के साथ जीना सीखो। हिमराज यानी तुम नेक्रॉन से लड़ रहे हो? उससे और उसकी मां से, वो कुतिया जूलियाना। वो यहां पर थे, नेक्रॉन के कुत्ते वो लड़की को ले गए पश्चिम की तरफ। उन्होंने यहां से 2 मील दूर डेरा डाला था। चलो मैंने लड़की को पहले भी देखा था, वो उस बड़े पेड़ के दूसरी तरफ है। जाओ उसे बाहर निकालो, मैं दूसरों का ध्यान बटाता हूं।
वो कम से कम 50 तो होंगे। तुम्हारा अंदाजा ठीक है। मुझे नहीं मिली। नहीं, घोड़े घोड़ों तक पहुंचने में वो हमें पकड़ लेंगे। पर टीकरा अभी भी उधर है, तो हम उसके लिए वापस आएंगे। पहले हम नेकरॉन के कुत्तों को भटकाएंगे। चलो। उस जगह पर खड़े होते हैं। चलो। बहुत हुआ। मैं चाहता हूं तुम नेकरॉन और उसकी मां जुलियाना के पास जाओ। हमें सौदा करना ही होगा। दुश्मन से सौदा? थोड़ी अच्छाई सब में होती है। जरूर नेकरॉन को मनाने का कोई तरीका होगा। उससे दया की उम्मीद रखते हो? पिताजी, आप नहीं जानते, अगर मैं शांति का पैगाम लेकर गया तो वो क्या करेगा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ये खतरा हमें उठाना ही होगा। मेरे बच्चे, अपनी बहन की खातिर जाओ, जल्दी जाओ। घोड़ा तेज दौड़ाना। मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। मैं रॉलियल हूँ और ये जंगल मेरा घर है। ओ बेचारी, तुमने बहुत कठिन यात्रा तय की है। पहले तुम कुछ खा पी लो, फिर आराम करो, फिर हम बातें करेंगे। बेचारी बच्ची, क्या तुम्हें ऑटवा ने डरा दिया? हाँ, नहीं नहीं, तुम डरो मत, ये बिल्कुल बच्चे जैसा है। लो। मैंने उसे हाथों से लोहे की मोटी जंजीर तोड़ते हुए देखा। हाँ, वो बहुत ताकतवर है मेरी बच्ची, पर उसकी नीयत अच्छी है। तुम्हें मेरे पास लेकर आया है। मैं थक गई हूँ। ओ मेरी बच्ची,
तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है क्योंकि तुम बहुत थकी हुई हो। तुम सो जाओ। मुझे अपने राज बताओ नेक्रॉन। नेक्रॉन, नेक्रॉन को इस लड़की की तलाश है। कुतिया, ये मेरे घर में तबाही लेकर आई है। शायद मैं इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। ओटवा मेरे बेटे, जाओ नेक्रॉन के आदि मानवों उन कुत्तों को बुला लाओ। उनसे कहो कि उन्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। इसकी कीमत चुकाकर इसे ले जा सकते हैं। तुम यहां से चले जाओ। नहीं, कैसे नहीं जाओगे? जाओ लड़की को ढूंढो। आओ बेटे, दरवाजा खुला है। क्या बात है, वो कुत्ते कहाँ हैं? तुम्हारी ये हिम्मत तुमने उठवा। जिंदा लोग हम मुर्दों को आखिर चैन से सोने क्यों नहीं देते? मैं उसका पीछा कर रहा हूं। मैं एक लड़की टीगरा को ढूंढ रहा हूं। लड़की? हाँ, उसने ही मेरा ये हाल किया है। और नेक्रॉन ने, कमीना नेक्रॉन। वो मुझे कहां मिलेगी? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? नेक्रॉन से बदले के लिए। नेक्रॉन आकातार, वो उसे आकातार लेकर गए हैं और वहां हिमराज के इलाके में मेरा बदला जरूर लेना। मेरा बदला जरूर लेना।
राजकुमार, तैयारियां हो गई हैं। किराए का जहाज बंदरगाह पर हमारा इंतजार कर रहा है। हिम चोटी पर निक्रॉन राह देख रहा है। तख्तों को जहाज पर चढ़ा दो, जल्दी करो निकम्मो, हमें सूरज उगने से पहले यात्रा शुरू करनी है। इसे मेरे पास क्यों लाई हो मां? बेटे, ये तुम्हारी दुल्हन है, ये तुम्हारे बेटों को जन्म देगी। मेरा कितना ख्याल रखती हो मां, मुझे कोई दुल्हन कोई बेटे नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हें वारिस चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नेक्रॉन, नेक्रॉन, तुम बहुत ही शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास दुनिया की हर वो दौलत है जो एक इंसान चाहता है, पर फिर भी तुम खुश नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक चीज की कमी है, एक तोहफा जो सिर्फ तुम ही हमारे लोगों को दे सकते हो। शांति, ये ऐसी भेंट है जो देने वाले के सब दुखों को दूर करती है। नेक्रॉन, मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूं, मैं शांति की पेशकश रखती हूं, क्या तुम इसे कबूल नहीं करोगे? क्या मुझसे दोस्ती नहीं करोगे? जब जब मैंने शांति पर थूका है, उस वक्त मैंने तुम पर थूका है, समझी? अगली बार अगर तुम किसी बंदरिया को मेरे सामने लेकर आई तो मैं कीड़ों की तरह तुम्हें मसल दूंगा। इस कचरे को बाहर फेंको। पर मत देखो, हम फायर कीप के घुड़सवार हैं, हम कचरे की तरफ ध्यान नहीं देते। Yeah!
राजा नेक्रॉन, हम दोनों राज्यों के बीच समझौता करने आए हैं और मेरी बहन टीग्रा, जिसे आपके लोगों ने धोखे से उठाया, उसे वापस कीप फायर ले जाने आए। मेरे पिता राजा जरल ने मेरे हाथ दोनों राज्यों के बीच शांति प्रस्ताव भेजा। इसके बदले में वो मेरी बहन की रिहाई और प्रभु सत्ता चाहते हैं। मुझे याद है मेरे दूत कुछ समय पहले ऐसे ही प्रस्ताव लेकर गए थे और आपके महान पिता ने उसे ठुकरा दिया था। आप अच्छी तरह जानते हैं वो प्रस्ताव मेरी बहन के अपहरण से पहले भेजा गया था। नहीं राजकुमार, जिन लोगों ने मुझे अपना राजा मानने से इनकार किया है, मैं उनसे समझौता नहीं कर सकता। रही बात तुम्हारी बहन की, तो मैं मानता हूं अब तक उसके बारे में सोचकर मुझे घृणा होती थी राजकुमार, लेकिन मेरा विचार बदल गया है। तुम्हारी बहन तो बहुत खूबसूरत है, क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम सुअर हो और सुअर की तरह ही मरोगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम काफी दिलचस्प हो सैनिको, इसे मेरे पास ले आओ। छोड़ दो इसे। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुमने मेरे लोगों को मारा। हमने बहुत सारे बेकार लोगों को खत्म कर दिया है। Ah!
उसे आराम करने दो, उसमें अब भी हिम्मत बची है। ठीक तो हो? हाँ, मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हूँ। दरवाजे को छोड़ो, तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, शायद मुझे कहीं चाबी मिल जाए। नहीं टीकरा, नहीं। क्या वो ठीक कहता है? तुमने मेरे बेटे को देखा? वो उसे राजकुमार टारो कह रहे थे। वो मर गया। ओह, टीगरा का क्या हुआ? वो भी उसी के पास है। हो सकता है। तुम कुछ भी कहो, वो हिम नदी एक सच्चाई है। 3 दिन और 3 रात से वो दक्षिण में बढ़ रही है। हजारों लोग नेक्रॉन के गुस्से की चपेट में आ चुके हैं। अब फायरवर्क की बारी है, हमें हमला करना होगा। मुझे ड्रैगन हॉक्स चाहिए। वो तो बहुत थोड़े हैं। अंदर जाने के लिए बहुत है, हम में से एक शायद वहां घुस के उसे मार सके। लेकिन अगर हिम नदी नदी को पार कर गई तो मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा, मुझे लावा छोड़ना ही होगा। Thank you.
अब इसकी जरूरत नहीं, हमें नई जिंदगी शुरू करनी है।